अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीते वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सनम कहाँ है?
उसने भी तो आज कॉलेज जाना था ना। वो सो रही है अम्मा। सो रही है? उठी नहीं अभी तक? भाई हम जमाने से उठ जाएंगे लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठेगी। वैसे बुरा मत मानिएगा भाभी, आपके लाड प्यार की वजह से ना वो बहुत बिगड़ती जा रही है। अरे लड़कियां पराया धन होती हैं, इतनी ढील देना अच्छी बात नहीं होती। फूफू उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कभी ठीक होगी भी नहीं बेटा। उज्मा, क्यों सुबह सुबह अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? नाश्ता करो मेरी बहन, नाश्ता। आपा, सनम अभी छोटी है। हाँ, छोटी सी बच्ची है, रोटी को चोची कहती है। अम्मी नाश्ता करें ना आराम से। भाई पराए घर जाना है मुझे, इससे क्या? पराया घर? भाई पराया घर कैसे हो गया? खैर से वो अपनी खाला के यहाँ ब्याह कर जाएगी, और खाला का घर कोई पराया तो नहीं होता। भाई जी एक बात कहूँ, फुप्पो हो या खाला, जब वो सास बनती है ना तो सास ही बन जाती है। साबरा, मेरा ख्याल आज वापसी में मैं शायद लेट हो जाऊँ। मगर क्यों? वो एक डील चल रही है, दुआ करना के कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। ओके अम्मी, मैं अब जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ बाबा। अरे आराम से नाश्ता तो कर लेती हैं। बाबा बस हो गया ना, देर हो जाएगी। अच्छा तुम ऐसा करना, नाश्ता नहीं किया जूस पीते हुए जा। ठीक है मैं पी लूंगी, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपना बैग लेना है। ओके खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। वैसे भाई जी माहम की उम्र काफी निकलती जा रही है, पता नहीं आप किस वकालत के चक्कर में पड़ गए। भाई रोजमर्रा तुम्हें अच्छा भला पता है कि मैं चक्कर में आने वाला नहीं है। बच्ची की ख्वाहिश थी, उसका शौक था, उसे वो पूरा कर रही है। हाँ शौक है, शौक तो मुझे भी था डॉक्टर बनने का। हाँ तो मैट्रिक में थर्ड डिवीजन नहीं लेना था ना? अगर तुम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लेती तो क्या अब्बा तुम्हें आगे ना पढ़ाते? अच्छा आप नाश्ता कीजिए। तौबा है भाई। नाश्ता कर लो। कर रही हूँ। फारिक इंसान हो तो भी सुबह कॉल घुमा दी। मैडम 2 बज रहे हैं, आपका सेमेस्टर नहीं शुरू होना था? लगता है सोई भी है अभी तक। कॉलेज नहीं जाना क्या? क्या करना है पढ़ लिख के? तुमने पढ़ लिया ना? बस काफी है, अब तुम चुपचाप अपना काम करो और मुझे सुकून से सोने दो। बाय बाय। तुम नहीं सुधरोगी सनम, हमसे ज्यादा ना तुम्हें अपनी नींद प्यारी है। ओए होए होए होए, आप ये देखो ये ड्रेस कितना अच्छा है, कितना जबरदस्त है ना। अरे देखो ना क्या है, पढ़ने दो मुझे, पेपर्स हैं मेरे, तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं। छोड़ो ये किताबें विताबें, इस दुनिया में कामयाब औरत वो नहीं है जिसने डिग्री हासिल की है, बल्कि वो है जिसने किसी अमीर कबीर बंदे से शादी की और सेटल हो गई। अब्बू ने भी कौन सा गवर्नमेंट जॉब करके महल बना लिए। तौबा करो, अभी कौन सा हम झोपड़ी में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है बाबा ने हमेशा हमें हलाल की कमाई खिलाई है, हराम का खाने वाले की ना नमाज कबूल होती है ना दुआ।
ये सब ना फलसफी बातें होती हैं। दुनिया सिर्फ दौलत वालों को इज्जत देती है। हाँ, और वो इज्जत जो है ना नकली और दिखावे की होती है। होती तो है ना, इस दुनिया में इंसान की नहीं बल्कि उसके बंगले की, उसकी गाड़ी की इज्जत होती है। अगेन, वो झूठी इज्जत होती है। तो सारी जिंदगी अबू ने गवर्नमेंट जॉब की और क्या बनाया? मैं ना अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो तो ये देखो। बोलो। हाँ, जबरदस्त ड्रेस है यार। ये वाला ड्रेस पहनो, है ना जबरदस्त। आपका वाकई दिमाग खराब हो गया और आपको शदीद इलाज की जरूरत है। अरे यार, तो क्या है, अस्मा ने देखो वडेरे से शादी की और अपनी लाइफ सेट कर ली है। और उस वडेरे की उम्र देखी है तुमने? उसके बाप की उम्र का है और उससे पहले दो बीवियां रख चुका है। तो इसमें क्या है, बुढ़ा है, मर जाएगा एक दिन। उफ अल्लाह सनम, तुम ये सारी कहानियां मुझे क्यों सुना रही हो? इसलिए मैं सोच रही हूँ अपनी दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी में ना मैं भी चांस ले लूं। जिंदगी में चांस लेते रहना चाहिए ना। पता चले कि मेरा कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए और मुझे उड़ा के ले जाए। प्रिंस चार्मिंग सिर्फ कहानियों की किताबों में पाए जाते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका प्रिंस चार्मिंग अली है। वो डम्बो? हाँ। वो डम्बो नहीं है, जीनियस है। एंड अगेन, प्रिंस इस दुनिया में नहीं पाए जाते जमीन पे। क्योंकि वो इस जमीन से है भी नहीं, दूसरे ही प्लैनेट से। और मेरा प्रिंस तो आएगा आसमान से और मुझे कहीं उड़ा के ले जाएगा। Hi mom. Yeah, I'm fine. Yes, just landed. जी, घर ही आ रहा हूँ। क्या सरप्राइज है? Oh really? यमन ने खाना बनाया? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा मुझे। बस पहुंच रहा हूँ, फिर मिलके खाना खाते हैं। Strange कि यमन ने खाना बनाया। चलें, okay, thank you. आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। बेटा, काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? बस अबू, अब बेहतरी की तरफ आ रहा है, बस आगे अल्लाह मालिक है। बस अल्लाह ही से उम्मीद है, वरना इस कोरोना ने तो सारा निजाम ही धर्म भरम कर दिया। अल्लाह का अजाब है बेगम, बेईमानी, धोखाबाजी, खुद गर्जी, नाप तोल में कमी। इंसान का बस नहीं चलता कि दूसरे के मुंह से नवाला छीन ले। ये कोरोना अल्लाह का अजाब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे। हाय मॉम एंड हाय माय डियर स्वीट सिस्टर। भाई, 5 साल बाद भी आपकी कान खींचने वाली आदत नहीं गई। अरे भाई, जब मुल्क के हालात नहीं बदले तो हम क्यों बदले अपने आप को, है ना मॉम? By the way, ये सारा खाना मैंने आपके लिए बनाया है, वो भी अपने हाथों से। क्यों मॉम, बताएं? Don't tell me. ये हो ही नहीं सकता। मैंने बनाया है? जैसे सूरज मशीक की बजाय मगरिब से नहीं निकल सकता ना मॉम, वैसे ही ये खाना नहीं बना सकता। नहीं जरा, ये सारा खाना एमन ने तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन हाँ, कटिंग में हेल्प राशिदा ने की है। वाओ, ये हुई ना बात। सारा मेहनत वाला काम उस बिचारी का, तुमने कौन सा तीर मारा भी? मेन चीज इंग्रेडिएंट होते हैं, कुकिंग आती है मुझे। छोड़े ना भैया, आप खा के बताएं मुझे कैसा बना है। अरे रिजल्ट तो निकलेगा बाद में, और वो भी अगर हम जिंदा बच गए तो। भाई, मॉम। जरार, बहन को तंग नहीं करो, उसका हौसला बढ़ाओ। अच्छा, हौसला बढ़ाना है? वाह, क्या खाना बनाया है। ऐसा खाना बनाया कि मेरा जी चाह रहा है कि जिसने खाना बनाया है उसके मैं तलवार से हाथ काट दूं ताकि वो इस तरह के खाना ना बना सके। अम्मी, अल्लाह इंसान को बस ढील देता रहता फिर एकदम से खींच लेता। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। आप चाय नहीं पी रही? नहीं, सो कुछ दिल नहीं चाह रहा, आप लोग पिए। भूख लग रही है। अल्लाह, कोई अल्लाह का बंदा मुझे भी खाना दे दे यार। सनम, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, तुम्हारे बाबा आ जाए, फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। अम्मी, आपको पता है मुझसे इंतजार नहीं होता। अल्लाह तौबा, ना तुमसे पढ़ाई होती है, ना तुमसे घर के काम होते, ना कटवा के रहोगी तुम एक दिन खानदान में हमारी।
फुल्लो, एक तो मेरी समझ नहीं आता मेरी हर बात में ना ये आपकी नाक बीच में क्यों आ जाती है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, बहुत ही कोई खतरनाक चीज बना रही हैं आप, है ना? नियत लगा के हांडी का जायका उड़ा के रख दिया। उस्मा देख लेना इसको। अरे फुप्पो, आप कब फ्री होंगी कामों से अपने? क्यों भाई, क्या मसला है? मुझे कुछ खाने को दे देना। मैं इतनी अच्छी तो नहीं, वो तो मुझे पता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बकवास है? ओहो, ये क्या कर रही हो भाई? बोटियां निकाल रही हूँ। अरे ये पूरा निकाल के? अरे भी बोटियां गली भी नहीं थी, वही तो चेक कर रही हूँ कि कितनी गली है। मजा ही आ गया, ये देख लिया सारी बोटियां तो ये ले गई, न जाने इस लड़की का क्या बनेगा। अरे अरे अरे, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है भाई। हम आए ना आप लाइन पे, वैसे एक बार शादी हो लेने दें आपकी, खैर से ऐसी फुहड़ भी मिलेगी ना आपको, सब पता चल जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये सर्वेंट किस दिन काम आएंगे? पॉइंट। लेकिन मेरे ख्याल से मॉम, एक लड़के को इतनी घरदारी तो आनी ही चाहिए। एमन, वैसे कभी कभी तुम बिल्कुल दादी अम्मा वाली बातें करती हो। अच्छा ये बताओ, शर्त लगाओगी? डन, लेकिन जो मांगूंगी देना पड़ेगा, प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। और मेरी जो बीवी होगी बहुत ही सुगढ़ होगी, बहुत ही बा अदब होगी। देख लेंगे, क्यों मॉम? खाना वाकई टेस्टी, एक बार फिर से कान खींच। नहीं प्लीज। रिजा ने सारा बिजनेस संभाल लिया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? रिजा तो डे वन से ही बिजनेस माइंडेड है मॉम। जरार, मैं सोच रही थी कि इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ये शादी जिंदगी का नहीं कारोबार का हिस्सा। अंदर चलो, बाबा घर आ चुके हैं। इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं उन्होंने फिलहाल तो नहीं देखा, लेकिन याद रखो आज उनका बीपी बहुत हाई है। उनका बीपी नॉर्मल कब होता है यार? तुम्हारे चक्कर में ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये हार्ट अब तक संभाल के क्यों रखा हुआ है? दे दो ना किसी बेचारे को।